नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे तथा खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारी आने वाली वीडियो का स्वागत कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत भाग 2 में संकलित अध्याय 5, जिसका शीर्षक है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। बच्चों, इस अध्याय पर हमारी एक वीडियो आपको पहले भी प्राप्त हो चुकी है तथा आज हमारी यह दूसरी वीडियो, जिसमें हम जिक्र करेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम रहे तथा उसकी मुख्य घटनाओं और उसी प्रकार से हुए एक और भारत के प्रमुख संग्राम की। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों और राजाओं ने किस प्रकार से विद्रोह कर लिया था तथा कंपनी के बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना कब्जा भी कर लिया था। परंतु क्या आप जानते हो कि कंपनी के पास एक बहुत ही व्यवस्थित, अनुशासित और हथियारों से लैस सेना थी तथा कहीं ना कहीं हम भारतीयों के पास इन संसाधनों की बहुत कमी थी और हमारी आपसी वैर विरोध और फूट के कारण जो हमारे इस संग्राम में कमियों के चलते कुछ असफलताएं हाथ लगी, आज हम उनका भी यहाँ जिक्र करेंगे। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से भारतीय राजाओं और सैनिकों पर काबू पाया। बच्चों, हमारी पहली वीडियो में आपने यह जाना कि किस प्रकार से भारतीय सैनिकों और राजाओं ने अंग्रेजों के एक एक करके सभी क्षेत्रों को छीनना शुरू कर दिया था। परंतु कंपनी इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाली थी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि ये युद्ध सामग्री गाड़ियों पर लदी हुई है जिन्हें हाथी खींच रहे हैं और इनकी कतार लगभग 7 मील लंबी थी तथा आप अगले इस चित्र में देख सकते हैं कि अंग्रेज टुकड़ियों ने दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ाया था। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। बच्चों, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी थी। बच्चों, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वो शहीद हो गए। बच्चों, इस चित्र को पहचानो। आप जानते हो, ये इस संग्राम के एक बहुत बहादुर सेनापति तांत्या टोपे हैं। मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए इन्होंने आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाया तथा ये 1859 तक इस युद्ध को जारी रखते रहे और अंत में शहीद हुए। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह
विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया था कि यदि भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा करना है तो भारत की जनता का विश्वास जीतना होगा तथा बड़े बड़े जमींदारों व भूस्वामियों से मित्रता करनी होगी। तो इसके चलते उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे भी चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चित्र में देखिए कि किस प्रकार अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। चलिए बच्चों, अब हम विद्रोह के बाद भारतीय शासन प्रणाली व कंपनी की कार्यवाही में आए बदलावों पर नजर डालते हैं। अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए थे वो इस प्रकार हैं। उनमें सबसे पहला बदलाव है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। बच्चों, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसका मतलब ये है कि अब भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। कई मायनों में देखा जाए तो बच्चों, हमारे 1857 की क्रांति के योद्धाओं की लड़ाई कंपनी के खिलाफ थी तथा यहाँ कंपनी का शासन ही खत्म हो गया, तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमारी विजय हुई। बच्चों, दूसरा बड़ा बदलाव, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। अभी तक आपने यह जाना कि रानी लक्ष्मीबाई इसीलिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी क्योंकि उन्हें अपने पति की मृत्यु के पश्चात दत्तक पुत्र गोद लेने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अब यह छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा बड़ा बदलाव बच्चों, सेना में किया गया। इस संग्राम से अंग्रेजों को यह आभास हो गया कि भारतीय सैनिक कभी भी उनके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। अंग्रेज इतनी बुरी तरह भयभीत हुए कि उन्होंने भारतीय सिपाहियों का सेना में अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा बड़ा बदलाव यह था कि मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा बड़ा बदलाव, अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। बच्चों, छठा बड़ा बदलाव था
भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने से संबंधित तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए कई नीतियां बनाई गई। इस प्रकार से बच्चों आप देखते हो कि 1857 के बाद हमारे भारत में इतिहास का एक नया चरण शुरू होता है। बच्चों आप यह तो जान ही चुके होंगे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना के खिलाफ हमारी सेना के पांव इतनी जल्दी क्यों उखड़ गए थे। 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश में राजा महाराजाओं की आपसी फूट वैर विरोध इसका बहुत बड़ा कारण रही है। अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया तथा किस प्रकार से उन्होंने ये सारी राजनीतिक घटनाओं का हमारे ही खिलाफ प्रयोग किया, ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में आपको मिलेंगी। तो हम यहाँ पर एक ऐसी घटना का जिक्र करना चाहते हैं जिससे आपको यह आभास हो जाएगा कि हम आपस में किस प्रकार से अपनी रियासतों को लेकर लड़ते रहे हैं। तो इसमें हम जिक्र करेंगे एक खुर्दा संग्राम का, जिसे पाइक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी शायद अधूरी व्याख्या है। बच्चों यह विद्रोह ओडिशा में व्यापक स्तर पर फैला था। इसे केवल पाइक विद्रोह की दृष्टि से देखना तो शायद गलत ही होगा। चलिए हम इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीर किशोर देव को सब अधिकृत 4 प्रज्ञाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंपना पड़ा था। यहाँ आप देखिए मराठा और वीर किशोर देव का आपसी विरोध, उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। बच्चों आप देख सकते हो किस प्रकार से अंग्रेजों और मराठों की जब आपस में दुश्मनी हुई तो यहाँ पर वीर किशोर देव के उत्तराधिकारी मुकुंद देव ने अंग्रेजों का साथ देना शुरू किया। परंतु 1803 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों ने परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था। अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का मात्र 1/10 था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्वित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इनमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्यवाही के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैतों की भुगतान की क्षमता
की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई। जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। बच्चों, आप जानते हो ओडिशा में कितने चक्रवात आते हैं। तटीय क्षेत्र में होने के कारण ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहता है। बकायादारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग पक्षी बंद जगबंधु के नाम से जानते थे, वो भी ऐसे ही बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। बच्चों, अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल हुए लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने के पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वो इस प्रकार थी। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन करना, नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना तथा खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, और जिनके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे, और अंतिम स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत होती है, तब जब इन पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। बच्चों, उत्साह से भरपूर जमींदार और रैत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान भी शुरू किया गया। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगवाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंददेव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। ये मार्शल लॉ एक ऐसा सख्त कानून होता है बच्चों, जहां पर जनता के अधिकारों को खत्म कर दिया जाता है तथा सारा ही शासन व्यवस्था सेना अपने हाथ में ले लेती है। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए और उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्ण चंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिन डल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा तथा बक्सी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उनमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया गया और बेदखल जमींदारों को उनकी जमीनें लौटा दी गई।
दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पूरी जाने दिया गया और 26,000 रुपए के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। बच्चों, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर कर आंकना होगा। बच्चों, आप 1857 के विद्रोह और इस खुर्दा के संग्राम को अगर तुलना करो तो दोनों में समानताएं पाते हो, परंतु 1857 का जो संग्राम था उसके भारतीय इतिहास में बहुत दूरगामी परिणाम निकले, या यूं कहें कि भारतीय इतिहास का वो एक मील का पत्थर था जहां से कंपनी का शासन खत्म हुआ था और देश में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था शुरू हुई थी। तो अपने इस ज्ञान को परिपक्व करने के लिए आइए हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इनमें से किस सेनापति ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया? विकल्प क, रानी लक्ष्मीबाई, ख, तांतिया टोपे, ग, नाना साहेब, घ, पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर है विकल्प ख, तांतिया टोपे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष में कानून पास किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रशासनिक अधिकार ब्रिटेन के राजा या रानी के अधीन चले गए? विकल्प क, 1855, ख, 1856, क, 1857, घ, 1858। इसका सही उत्तर है विकल्प घ, 1858। अगला प्रश्न है, 1858 के ब्रिटिश संसद के कानून के तहत इनमें से किस अधिकारी के ओहदे को बदलकर वायसराय के ओहदे में बदल दिया गया? विकल्प क, चीफ कमिश्नर, ख, गवर्नर जनरल, ग, फॉरेस्ट मैनेजर, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ख, गवर्नर जनरल। बच्चों, जैसा कि आपने जाना था कि 1858 में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल होता था जिसके ओहदे को बदलकर अब वायसराय कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल की मृत्यु किस जेल में हुई थी? विकल्प क, दिल्ली, ख, ढाका, ग, अंडेमान निकोबार, घ, रंगून। सही उत्तर है विकल्प घ, रंगून। बच्चों, अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम से पहले 1817 में भी भारत में एक बहुत बड़ा संग्राम हुआ था जिसे हम खुर्दा संग्राम कहते हैं। खुर्दा क्षेत्र का संबंध इनमें से किस राज्य से है? विकल्प क, पंजाब, ख, उत्तर प्रदेश, ग, तमिलनाडु, घ, ओडिशा। इसका सही उत्तर है विकल्प घ, ओडिशा। तो बच्चों, आपने इस अध्याय में यह जाना कि किस प्रकार से कंपनी ने अपने देश की सेना की मदद लेकर के हमारे भारतीय राजाओं को और सैनिकों पर काबू पाया। आपने यह भी जाना कि किस प्रकार से बहादुर शाह जफर और उसके परिवार यानी के अंतिम मुगल बादशाह का पतन कैसे हुआ। बच्चों, आपने यहाँ पर इस अध्याय में यह भी जाना कि 1857 के बाद भारतीय शासन व्यवस्था में कितने क्रांतिकारी बदलाव आए और इन्हीं बदलावों को हम अपनी सफलता मानते हैं। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।